हो गई, चलो स्टार्ट। ओके, तो यहां तक अपन ने देखा कि अब तक अपन ने अपनी जूनियर क्लासेस में सारे एक्सपेंशन देखे थे। उन एक्सपेंशन को अगर अपन ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमने क्या प्रॉपर्टी देखी कि जो फर्स्ट टर्म है बाइनोमियल का, दो टर्म है बाइनोमियल में, बाइनोमियल मतलब दो टर्म रहेगी ए और बी। जो फर्स्ट टर्म है मेरा ए, उसकी पावर रिड्यूस होती जा रही है एक एक से, और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर इंक्रीज होती जा रही है। ये तो हमने इसके टर्म्स में देख लिया। अब यहाँ पे भी अगर एक ए प्लस बी की पावर 5 का होगा तो यहाँ पे आएगा ए की पावर 5, फिर ए की पावर 1 कम होगी, बी की पावर बढ़ेगी, फिर ए की पावर 1 कम होगी, बी की पावर बढ़ेगी। इस तरह से चीजें चलती जाएगी आगे तक, और लास्ट में आ जाएगा मेरा बी की पावर 5। लेकिन यहाँ पे जो कोफिशियंट है उसमें क्या रिलेशन होगा, तो कोफिशियंट को जब पैटर्न देखा था, कोफिशियंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो कोफिशियंट को जब यहाँ पे लिखा गया तो उसमें भी एक पैटर्न दिखने लग गया था। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मान लो सबसे पहले स्टार्ट आपने मान लो ए प्लस बी की पावर 0 से स्टार्ट किया, तो ए प्लस बी की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1, फिर इस तरह से एक ट्राइंगल बन रहा था, इसको क्या बोला गया, पास्कल ट्राइंगल। हाँ है ना, ठीक है, सबने देखा, ये याद आ रहा है सबको यस लास्ट सर, में। ठीक है, यस सर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 था, और ये 1 और 1 का सम यहाँ पे 2 आ रहा था, 1 और 2 का सम यहाँ पे 3, 2 और 1 का सम यहाँ पे 3। इसी तरह से उन्होंने बोला अच्छा फिर यहाँ पे 1, 3 और 1 का सम कितना हो जाएगा 4, इसका सम हो जाएगा 6, इसका सम हो जाएगा 4, और लास्ट वाला वापस क्या आ जाएगा 1। तो बेसिकली ये किसके कोएफिशिएंट हो जाएंगे, पावर 4 वाले। ये यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो टर्म था वो इंडेक्स, इसका लिए इंडेक्स क्या था, यहाँ पे एन की बात करो तो इसका इंडेक्स 1 0, इसका इंडेक्स 1 मतलब देखो ये इंडेक्स मतलब पावर, पावर 1 के कोएफिशिएंट है, ये पावर 2 के कोएफिशिएंट है, ये पावर 3 के कोएफिशिएंट है, पावर 4 के कोएफिशिएंट है। तो पावर 4 के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 1 4 6 4 1। क्या ये बात समझ में आई आपको? यस सर, ठीक है, अब यस सर, उन्होंने बोला ठीक है यार ऐसे अपन ट्रायंगल बना तो नहीं सकते आगे तक, आगे तक ऐसे ट्रायंगल बनाते गए तो बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इसको कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा टर्म दिख जाए, फिर कोई ऐसी सिमेट्रिक दिख जाए, ताकि मैं हायर पावर के लिए, अगर मुझे कोई पूछे ए प्लस बी की पावर 27 लिख के दिखाओ, तो मुझे बिना ये ट्राइंगल बनाए, बिना सब कुछ करे, डायरेक्टली मैं इस चीज को लिख पाऊं, इसके लिए कोई ना कोई मेथड डेवलप करनी पड़ेगी। तो एक और पैटर्न इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया, ये जो अपना पास्कल ट्राइंगल बन रहा था जिसको अभी अपन ने देखा, जिसमें ये सब कोएफिशिएंट इस तरह से आ रहे थे अलग इंडेक्स के लिए, ठीक है, ये इंडेक्स के लिए, तो यहाँ पे इसको रिलेट किया गया एनसीआर से। अब एनसीआर का फॉर्मूला आपको पता ही, बताओ, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल टू आर फैक्टोरियल। वेरी गुड, अभी अपन ने पीएनसी पढ़ा था थोड़े दिन पहले, तो उसमें अपन ने देखा था इस चीज को, है ना। अब बेसिकली यहाँ पे एन एन मतलब मैं अगर इंडेक्स से इसको रिलेट करूं, तो देखो ये मेरा इंडेक्स एन इक्वल टू 2 के लिए था, तो यहाँ पे मैं इन दोनों को एन सी मतलब बेसिकली एन 2 है, तो 2C0 और 2C1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 2C0 2C1 दोनों की वैल्यू 1 1 आएगी। हाँ है ना, ठीक सर, है, 2C0 2C1 की वैल्यू क्या आएगी 1। फिर इसके लिए जो मेरा n इंडेक्स 3 था, ये तो तीन टर्म थी, इन तीन टर्म को अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 3C0 3C1 और 3C2, इनकी वैल्यू निकाल के देखोगे यही आएगा, क्लियर है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, ये फर्स्ट वाला टू इंडेक्स, सी वन टू नहीं ये होता इंडेक्स किसके लिए था, ये 2 2 की पावर का था ना, सेकंड वाला था, ठीक है। ये कब था, एन की पावर 1 थी, ए प्लस बी की पावर एन में एन कितना था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे एन कितना था 2, यहाँ पे एन कितना था 3, है ना, यस बोलो। सर, ठीक है, तो इनको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 1 और 1 कब बनेगा, जब यहाँ पे 1C0 1C1। अब देखो ध्यान से, 2C0 2C0 की वैल्यू 1, 2C1 की वैल्यू 2, और 2C2 की वैल्यू 1, है ना। थ्री के लिए यस थ्री सर, सी जीरो वन आएगा, 3C1 की वैल्यू 3 आएगी, 3C2 की वैल्यू भी 3 आएगी, और 3C3 की वैल्यू वापिस 1 आ जाएगी। 4 में जब इसको चेक करोगे सेम पैटर्न, तो 4C0 की वैल्यू 1 दैट इज 1, फिर 4C1 करोगे तो 4 आ जाएगा, 4C2 करोगे तो 6 आ जाएगा, 4C3 करोगे तो 4 आ जाएगा, 4C4 करोगे, मतलब बेसिकली ये जो आंसर आ रहे थे और ये जो है, ये दोनों एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, मैच कर रहे थे। हाँ है ना, क्लियर है यस सबको। सर, यस सर, ये चीज मेरे लिए बहुत आसान हो गई। अब मुझे कोई पूछे किसी भी रैंडम से, मान लो कोई पूछेगा एन बराबर बताओ 8 के लिए, इंडेक्स 8 के लिए कोफिशिएंट, ये सब क्या निकाल रहे हैं अपन, कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, जो भी बाइनोमियल टर्म आ रही है उनके कोफिशिएंट कैसे आएंगे वो हम निकाल रहे हैं। तो एन बराबर 8 के लिए कोफिशिएंट बताओ क्या हो जाएंगे, कहाँ से स्टार्ट होगा, 8C0, 8C0, फिर अगला क्या एट आएगा, सी वन 8C1, एट ऐसे सी टू चलते चलते 8C, लास्ट 8C8 तक आ जाएगा। तो ये सारे के सारे कोफिशिएंट हम लिख सकते हैं, है ना। यस सर, ये तो कोफिशिएंट भी लिखना हमको आ गया और टर्म्स भी लिखना हमको आ गया था। टर्म्स कैसे लिखना सीखा था कि जो फर्स्ट टर्म है ए, उसकी पावर रिड्यूस होती जाएगी, सेकंड टर्म की पावर एक एक करके बढ़ती जाएगी, और कोफिशिएंट इस तरह से रिलेट होंगे। और ऑब्जर्वेशन दूसरा क्या किया गया कि जब इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स आपका
जीरो था, इंडेक्स वन, इंडेक्स टू, इंडेक्स थ्री, इंडेक्स फोर। तो इंडेक्स वन में जब पावर वन है तो दो टर्म आई, पावर टू में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनी, तीन, पावर थ्री में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनी, चार, पावर फोर में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनी, पांच, है ना। तो मतलब जितनी पावर है उससे एक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ टर्म्स है ना, जितनी पावर है उससे एक्स्ट्रा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। यहां से मैं ये भी बोल सकता हूँ, अगर इंडेक्स ए प्लस बी की पावर एन है, इंडेक्स एन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, एन प्लस वन। हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देख पा रहे हो सब लोग कितनी हो जाएगी, एन प्लस वन, है ना। Yes, और ऑब्जर्व भी करो, देखो 8C 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 अप टिल 8, तो 0 से लेके 8 तक कितनी टर्म बनेगी, एक्स्ट्रा ही बनेगी, 9 टर्म्स, जैसे यहाँ पे भी आया ना। yes, वो भी रहेगा उसमें, एक टर्म क्या रहेगी, एक्स्ट्रा रहेगी। क्या ये बात समझ में आई सबको यहाँ पर? यस सर। ठीक है, अब इसी चीज को अगर जनरलाइज अपन लिख दें, ए प्लस बी की पावर एन, तो बताओ फर्स्ट टर्म क्या बने, मतलब क्या आएगा कोएफिशिएंट सबसे पहले, मुझे एक एक करके फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, पावर जीरो, सेकेंड टर्म जीरो, ए की पावर, ए की पावर एन माइनस, एन माइनस वन, बी की पावर वन, वेरी गुड, ए की पावर एन माइनस टू, एन माइनस टू, बी की पावर टू, वेरी गुड। ये हो जाएगा ए की पावर एन माइनस थ्री बी क्यू एंड सो ऑन अप टिल बी की, ए की पावर जीरो, बी की पावर जीरो, बी की पावर एन। सबको क्लियर हो कैसे आया ये सब? यस यस। अब इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखो ध्यान से, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी, ये आपकी सेकेंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म, ये आपकी फोर्थ टर्म, और ये आपकी कौन सी टर्म, जनरल टर्म निकालते हैं तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखो क्या किया गया है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे वन है, तो ए की पावर इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, एन माइनस वन आ रही है, और बी की पावर ये नीचे वाली ऊपर चल जा रही है। यहाँ पे एन सी टू आ रहा है तो ए की पावर क्या आ रही है, इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस टू और बी की पावर टू। यहाँ पे एन सी थ्री है तो ए की पावर क्या आ रही है, इन दोनों का डिफरेंस और बी की पावर थ्री। देख पा रहे हो, है ना? यस सर। तो अगर मैं इसमें आपको एंड में कुछ तो बताओ, इसकी नाइन्थ टर्म क्या होती, एन सी एट, एट होती। हाँ, देखो यहाँ पे वन है तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वन, यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, टू, यहाँ पे फोर है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, थ्री। समझ पा रहे हो? यस सर। है ना, कोएफिशिएंट में यहाँ पे जो भी टर्म है उससे एक कम आ रहा है, तो अगर टी नाइन्थ पूछूंगा तो क्या आएगा, एन सी एट आएगा। बोलो, यस सर। ए की पावर, यस सर, क्या सबको दिख रहा है कि नहीं आया समझ में? अगर मान लो पूछना टी 14 टर्म बताओ इसकी, एन सी की 13, 13 की पावर एन माइनस 13 की पावर 13। वेरी गुड, बी के सब लोग लिख लोगे इस तरह से, आया ना? यस सर, यस सर। अब इसी तरह से इसका एक जनरल टर्म लिख दिया गया ताकि जो हमेशा अपन को याद रखना, तो जनरल टर्म में टी आर की जगह टी आर प्लस वन निकाल रहा हूँ, तो इसका जनरल टर्म टी आर प्लस वन टर्म बताओ क्या है? यहाँ पे अगर आर प्लस वन है, हाँ, यहाँ पे आर प्लस वन है तो यहाँ पे क्या जाएगा, एनसी आर आ जाएगा, ए की पावर आर एन माइनस आर, बी की पावर आर। क्या इसको सब लोग याद रख लोगे? यस सर। ये आपको इम्पोर्टेंट है, बाइनोमियल का जनरल एक्सपेंशन, उसकी जनरल टर्म। तो जनरल टर्म एकदम बाय हार्ट याद रखनी है, एनसीआर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। ठीक है सबको? बोलो, यस सर। ठीक है, अब इसके कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन जो बहुत ज्यादा काम आती है, तो सबसे पहले कि अगर ए प्लस बी की पावर एन, जो भी अपन ने देखा एन सी जीरो, ए की पावर एन प्लस एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन बी, एन सी टू, बी स्क्वायर, एन सी एन, बी की पावर एन। और अगर मान लो मैं यहाँ पे ये पूछता कि बताओ ए माइनस बी की पावर एन क्या होगा, तो क्या करोगे सर? बी को नेगेटिव ले लेंगे, यहाँ जहाँ पे भी बी, ए की पावर एन, बी की जगह माइनस बी आ जाएगा, है ना? यस सर।
बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा. तो बी की जगह माइनस बी रिप्लेस करोगे तो जो इवन इवन वाले इवन नंबर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेंगे. ऑड वाले क्या हो जाएंगे, नेगेटिव. हां है ना, नेगेटिव हो जाएंगे. यस सर. अब इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूं, ए प्लस बी की पावर एन में, अगर इस ए माइनस बी की पावर एन को अगर आप ऐड कर दोगे तो कौन सी टर्म कैंसिल होगी, वन वाली जिसमें ऑड इसके साइन अपोजिट प्लस माइनस ऑड वाली कैंसिल हो जाएगी. इवन वाली वो डबल, इवन वाली है वो रह जाएगी, वो डबल हो जाएगी. डबल हो जाएगी तो इवन वाली डबल हो जाएगी तो NC0 NC2 है ना, NC4 इवन वाली सारी रह जाएगी, कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी. क्या बात समझ में आ रही है? यस सर. यस सर. ओके. और अगर मान लो सबट्रैक्ट कर दे तो सर फिर जो वो इवन वाली कैंसिल हो जाएगी, ऑड वाली रह जाएगी और ऑड वाली ऑड वाली डबल हो जाएगी. हाँ, क्या बात सबको समझ में आ रही है? डटना कुछ भी नहीं, सबको समझ के करना है. क्लियर है? यस सर. ओके. एक और स्टैंडर्ड एक्सपेंशन जो बहुत ज्यादा काम आता है, जिसको एकदम याद ही रखना, अगर यहाँ पे ए और बी की जगह में, ए की जगह वन बी की जगह एक्स रख दो, ए की जगह क्या रख दिया, देखो ध्यान से इस एक्सपेंशन में, ए की जगह वन बी की जगह एक्स रख दें, है ना. तो देखो बी की पावर बढ़ती जाती है, बी की पावर तो क्या बढ़ती है, और वन की पावर कुछ भी रखो आंसर वन ही आना है. Yes, sir. Yes, sir. A की पावर के सब जगह तो वन ही आ जाएगा, बी की पावर एक एक करके क्या होगी, बढ़ती जाएगी. तो देखो आंसर क्या आ जाएगा आपका, एन सी जीरो ए की वन की पावर एन, तो वो तो वन ही लेना है. एन सी वन एक्स की पावर वन, एन सी टू एक्स की पावर टू, है ना. Yes, sir. ये याद रखना, क्योंकि इस वाला ऐसा एक्सपेंशन बहुत बार काम आता है, मतलब जनरली हम क्वेश्चन में इस तरह के एक्सपेंशन को यूज करते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए. क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. और अगर प्लस की जगह माइनस पूछेगा अगर, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ऑड वाले के आगे नेगेटिव कर देना है, वो भी आप कर सकते हो, है ना. Yes, sir. Yes, sir. इसके जो कॉमन ऑब्जर्वेशन जो हमने देखी अब तक वो ध्यान से देख लो. अच्छा एक चीज और, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे जितनी भी टर्म्स आ रही है उसकी टोटल पावर हमेशा कितनी आ रही है, देखो यहाँ पे टोटल पावर कितनी है, एन आ रही है, यहाँ पे टोटल पावर कितनी है, टोटल पावर कितनी आ रही है, एन आ रही है. इन सब में टोटल पावर हमेशा कितनी आएगी, एन आ रही है, है ना. तो यहाँ पे ये सारी चीजें ऑब्जर्व रखने की, हर टर्म जो भी आपकी बनाओगे उसमें टोटल पावर हमेशा कितनी आएगी, एन आएगी. टोटल पावर कितनी आएगी, हमेशा एन. ठीक, तो ये ऑब्जर्वेशन देख लो फटाफट. द सम ऑफ द इंडाइसेस, इंडाइसेस मतलब पावर ऑफ एक्स एंड ए, मान लो फर्स्ट टर्म एक्स है, सेकेंड टर्म ए इज एन, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा कितनी होगी, n प्लस 1, है ना. एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड आर इक्वल, कोएफिशिएंट भी बिगनिंग और एंड के इक्वल होंगे, क्योंकि आप देखो पास्कल ट्रायंगल में फर्स्ट का कोएफिशिएंट और लास्ट वाला कोएफिशिएंट, फिर से आगे से दूसरा पीछे से दूसरा, समझ में आ रहा है. सारे क्या रहे, सेम आ रहे, क्या आ रहे, सेम. यहाँ पे भी देखोगे तो फर्स्ट और लास्ट सेम आएंगे, क्यों, क्योंकि अपनी एक प्रॉपर्टी होती है एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होती है. यस सर. NCR की वैल्यू और NCN माइनस R की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है. Yes, sir. है ना. तो कोएफिशिएंट जो आगे फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट लास्ट वाले कोएफिशिएंट के बराबर होगा, आगे से दूसरा कोएफिशिएंट पीछे के दूसरे कोएफिशिएंट से बराबर होगा, ये आगे से तीसरा पीछे से तीसरे क्या होगा, बराबर होगा, कोएफिशिएंट बराबर होंगे, है ना. Yes, sir. Yes, sir. और ऐड करोगे तो इवन ही आपको पता ही. चलो अब क्वेश्चन पे थोड़ा सा आते हैं, एक-एक करके देखो ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो. अपन पहले खैर बाइनोमियल के बारे में सोचेंगे, क्या ये बाइनोमियल में कन्वर्ट हो सकता है, सोचो. कैसे करोगे कन्वर्ट बाइनोमियल में इसको, 1 + 3x को a मान लेंगे, 3x² + x³ को b मान लेंगे. इसको ध्यान से देखो ये क्या दिखा होगा, x प्लस वन का होल क्यूब. हाँ देखो ध्यान से, क्या ये x प्लस वन का होल क्यूब है. यस सर. यस सर. सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो, बोलो. यस सर. यस सर. अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा. अब बताओ टोटल, अब क्वेश्चन पूछा इसकी नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, 121 टर्म. हाँ 121 121 टर्म. यहाँ पे अपन को डायरेक्टली दिया नहीं था, बाइनोमियल में कन्वर्ट करवाया, फिर अपना काम हो गया, है ना. Yes, sir. ठीक, चलो एक और क्वेश्चन देखो ध्यान से, दिखने में अजीब दिया लेकिन क्वेश्चन आसान है. आपको एक कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया, ये ए ये बी है,
फिर अभी मैं इसको ए और बी के टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो ये फर्स्ट टर्म को ए मान लिया, सेकंड टर्म को मैं बी मान लूंगा, ठीक है, और इसकी पावर मान लो है 10। तो पूछिए रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो इसमें मुझे बताओ शुरू से पांचवी टर्म कौन सी होगी टी फिफ्थ, बताओ क्या लिखो फॉर्मूला टी फिफ्थ का। अब ये शुरू से ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ये क्या लिखा मैंने फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग। अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड कैसे लिखूं, तो देखो एक बहुत आसान तरीका है, एक तो जनरली फॉर्मूला याद कराते, एक और आसान तरीका क्या है आपको पता है, इसको उल्टा एक्सपेंशन लिख देते हैं। अगर मैं लिख दू बी प्लस ए की पावर 10 है ना, यस सर यस सर, देखो इसकी जो फिफ्थ टर्म होगी फ्रॉम द बिगनिंग वो इसकी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड होगी। यस सर यस सर, बोलो कि इसकी शुरू की पांचवी टर्म तो ये है, इसकी पीछे से पांचवी टर्म अगर पता करनी है तो इसका उल्टा अगर रख के उसकी आगे से पांचवी टर्म निकालेंगे तो बात एक ही है। यस सर यस सर, इसके लिए हमने क्या करा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालने के लिए हमने क्या करा, इसको इंटरचेंज कर दिया, बी की जगह ए, ए की जगह बी कर दिया, और बोल दिया कि इसके एक्सपेंशन के फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग पता कर लो तो एक ही बात हो जाएगी। तो बताओ इसकी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग क्या आएगी, 10C4 अपन लिख देंगे तो ऊपर आएगा 10C4 a की पावर 6 b की पावर 4 और नीचे क्या जाएगा 10C4 b की पावर 6 a की पावर 4 है ना। यस सर, बताओ कितना आएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है ना। यस सर, और a और b तो आपको पता है ये क्या है, ये a है आपका और ये क्या है पूरा b, b क्लियर है सबको। यस सर यस सर, बस आ जाएगा आंसर। देखो टफ था क्या, नो सर सर, ठीक है नेक्स्ट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन, if the term independent of the x in the expansion of this is k, find the value of 18k. ये जो एक binomial का चीज दिया हुआ है, इसमें बोला इसके expansion में term independent of the x, इसका expansion होगा उसमें x की बहुत x की terms आती जाएगी, उसमें independent of the x मतलब बिना x वाली term मतलब constant term। Yes sir. बिना x वाली term मतलब कोई ना कोई constant term आएगी, वो constant term क्या होगी वो पता करनी है, समझ आ रहा है, मतलब ऐसी टर्म पता करनी जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स हो। इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स मतलब बिना एक्स वाली टर्म, मतलब एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए, जीरो। यस सर यस सर, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो कैसे अप्रोच करते हैं, क्या तरीका सीखा आपने ऐसे क्वेश्चन को करने का, बताओ। सबसे पहले क्या लिखोगे इसकी, पहले इसको एक्सपेंड करना है, नहीं, तो एक्स का जो पावर आ जाएगी, नहीं रुको, सबसे आसान तरीका सब लोग ध्यान से देखो, इसकी जनरल टर्म लिखो सब लोग, क्या लिखोगे सबसे पहले, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं जिसमें आपको किसी के कोएफिशिएंट का रेशियो पूछा तो क्या सबसे पहले क्या लिखोगे, जनरल टर्म, इसकी जनरल टर्म क्या होगी, लिखो सब लोग जनरल टर्म, और उसकी इसमें एक्स की पावर को कलेक्ट करो, सब लोग जनरल टर्म लिखो इसकी, और देखो एक्स की पावर कितनी आ रही है, जनरल टर्म बताओ तो इसकी क्या हो जाएगी, 9C
नाइन सी आर है ना, थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर की पावर नाइन माइनस आर और माइनस वन अपॉन थ्री एक्स की पावर आर। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आएंगे आपको, जहां पे पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, एक्स की पावर सेवन का कोएफिशिएंट बताओ, एक्स की पावर नाइन का कोएफिशिएंट बताओ, या इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स बताओ। इसका सबका तरीका एक ही है, सबसे पहले जनरल टर्म लिख लो। जनरल टर्म लिखने के बाद इसमें आप देखो एक्स की टोटल पावर क्या आ रही है। आप देखो ध्यान से, एक्स की टोटल पावर को हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा, नाइन सी आर को ऐसा कैसा रहने दिया, जो भी कॉन्स्टेंट है उनको अलग अलग, यहाँ से थ्री बाई टू आएगा तो थ्री बाई टू को अलग निकाल लिया, यहां से आएगा माइनस वन बाई थ्री उसको भी अलग निकाल लिया, ठीक है। और x की क्या क्या टर्म्स बच रही उनको ध्यान से देखो, यहां से x स्क्वायर आएगा है ना, बोलो यस सर। और यहां से क्या आएगा, वन बाई एक्स, वन बाई एक्स मतलब x की पावर माइनस वन की पावर r, ठीक है। अब बेस से आप देखो इसको मैं पूरा लिख रहा हूं वापिस से, ये पूरी की पूरी टर्म ऐसी कैसी रहेगी, बस x की पावर क्या क्या है वो ध्यान से देखो। x की पावर में यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 माइनस टू आर, और यहाँ पे x की पावर कितना आ जाएगा माइनस आर, क्लियर है। और ये बाकी ऐसा कैसा है, ये पूरा ऐसा कैसा, क्लियर है, ये पूरा अगेन ऐसा कैसा रहेगा। यहाँ पे बेस से पावर ऐड हो जाएगी, यस सर, ऐड करोगे तो 18 माइनस थ्री आर आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया, इसमें किसी को स्टेप में कोई डाउट हो तो यहाँ तक पूछो पहले। नो सर, क्वेश्चन में बोला इंडिपेंडेंट ऑफ द x, इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला मतलब x की पावर क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, जीरो। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की जो टोटल पावर है उसको जीरो से इक्वेट कर दोगे। अगर बोलता है यहाँ पे x क्यूब का कोएफिशिएंट बताओ, बोलता है x की पावर सेवन का कोएफिशिएंट बताओ, तो यहाँ पे इसको कैसे इक्वेट कर देते, सेवन से इक्वेट कर देते हैं, है ना, क्लियर है। यहाँ से r कितना आ जाएगा, सिक्स, ठीक है। अब बस आप अपने इस यहाँ पे r की जगह क्या रख दोगे, सिक्स, ये कोएफिशिएंट था आपका, यहाँ पे पूरे में r की जगह सिक्स रख दो, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये तो पूरा वन हो जाएगा और ये आपका आंसर आएगा। तो इसकी टर्म कितनी आ जाएगी, r की जगह सिक्स रख दोगे तो आपकी जो सेवंथ टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द x हो जाएगी। तो सेवंथ टर्म कितनी आ जाएगी, यहाँ पे r की जगह क्या रख दोगे, सिक्स है ना, r की जगह क्या रख दोगे, बोलो, सिक्स। तो r की जगह सिक्स रख दोगे कितना आ जाएगा, एन सी सिक्स, इसका ऑप्शन बी आएगा, हाँ, थ्री बाई टू की पावर यहाँ पे रखोगे थ्री माइनस वन बाई थ्री की पावर सिक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसको क्या बोला गया क्वेश्चन में, k के बराबर, इस k को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक, सबको क्लियर हो गया, यस सर, ठीक, तो ध्यान रखना, ठीक है। जनरल टर्म लिख लिया करो। अब देखो ये वाला एक और क्वेश्चन 2019 का, positive value of lambda for which the coefficient of x square in the expansion of this is 720. यहाँ पे देखो दो तरह से, x square और उसके साथ एक और चीज क्या given है, root x plus lambda by x square की power 10. इसके expansion में किसका coefficient पूछा इस बार, बोलो, x square, x square का, हाँ, किसका coefficient पूछा, इसका जो भी expansion बनेगा उसमें x square का coefficient क्या होगा वो मुझे वो पता करना है, वो दिया हुआ है, सॉरी 720, और पूछा लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट मुझे कितना गिवन है 720, तो पूछा लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो बताओ कैसे करें। बोलो सर, एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर लेके, हाँ देखो कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे जो भी टर्म बनेगा उसमें हर सब जगह एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होता जाएगा, yes, हाँ। अगर मैं ये बोल दूं कि इसके अंदर मैं कौन सी टर्म निकाल लो, इसके अंदर अगर मैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकाल लू टर्म इस एक्सपेंशन में, सिर्फ इसमें इस बाइनोमियल में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म, और वो वाली टर्म अगर इसके साथ मल्टीप्लाई की तो वही तो मेरा क्वेश्चन आएगा, है ना, यस सर। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है, एक्स स्क्वायर इस पूरे के साथ क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की पावर जीरो वाली टर्म पता कर लूं तो वही तो मेरा 720 होगी, क्योंकि वो x की पावर 0 इसके साथ जब मल्टीप्लाई की तो x स्क्वायर क्रिएट कर देगी, बाकी सारी टर्म में x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर तो बढ़ती जाएगी, है ना, यस सर, यस सर, ठीक है। तो अब यहां पे आप पता करो इंडिपेंडेंट ऑफ द x टर्म कौन सी है, सब लोग इस एक्सपेंशन में ये जो एक्सपेंशन दिया हुआ है इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द x उसका क्वेश्चन आपको कितना गिवन है 720, तो लैम्डा कितना आएगा, करो ट्राई, इसकी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द x निकालो, अभी जैसे सिखाया था जनरल टर्म निकाल के।
अप्लाई करो फॉर्मूला सब लोग जनरल टर्म का। x किस पे सारी पावर को कलेक्ट कर लेना, जिसको आता है वो ट्राई करते जाओ। थर्ड ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ रहा है। देखो यही आ रही थी कि 10 माइनस 5 आर बाय 2। यस सर। अब इसको कैसे इक्वेट करोगे जीरो से, तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा 2 के बराबर, है ना? आर कितना आ जाएगा 2, तो मतलब आर की जगह रखना है 2 रखना है, तो क्वेश्चन कितना बन जाएगा 10 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू, इसको 720 से इक्वेट कर दोगे और यहाँ से आपके पास लैम्डा आ जाएगा। के बस देखिए, तो दोनों जेई के जो क्वेश्चन थे उसमें आपको जो भी बेसिकली एक्स की पावर का क्वेश्चन पूछे, हर बार जनरल टर्म लिखो, एक्स की टोटल पावर को कलेक्ट करो, फिर उस एक्स की पावर को इक्वेट कर दो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्वेश्चन में पूछेगा भाई इंडिपेंडेंट, तो जीरो से इक्वेट करना। क्वेश्चन पूछेगा एक्स की पावर 4, तो 4 से इक्वेट करना। एक्स की पावर 7 पूछे तो 7 से इक्वेट करना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको कि नहीं, बताओ? यस सर। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट एक और वैरायटी देखो, बहुत अच्छी। यहाँ पे अगेन दो टर्म दिए ए और बी टाइप से, ए की वैल्यू मान लो 7 की पावर 1/5, बी एक तरह का टर्म दिया होगा। क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कितने इरेशनल टर्म्स होंगे, कितने इरेशनल टर्म्स होंगे। इरेशनल टर्म्स पता करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे पहले वो सोचते हैं। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 61 हो जाएंगे। अब इरेशनल टर्म्स अगर निकालना है ना, इरेशनल टर्म्स अगर निकालना है ना, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि टोटल टर्म्स में से रेशनल टर्म्स माइनस कर देना। बोलो, है ना? टोटल, क्योंकि देखो कोई भी टर्म्स या तो रेशनल होगी या तो इरेशनल। रियल नंबर दो ही पार्ट में डिवाइड होते हैं, या तो रेशनल या तो इरेशनल। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में अगर मैं रेशनल टर्म्स को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को इरेशनल टर्म्स बचेगी, आया ना? यस सर। ठीक है, क्योंकि रेशनल टर्म्स निकालना मेरे लिए आसान। अब देखो, अब रेशनल टर्म्स निकालने का तरीका क्या होता है वो समझना चाहिए। तो अगेन रेशनल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, बेसिकली नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स और नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स पता करने, तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स क्या कर देंगे माइनस। रेशनल टर्म्स को निकालने का तरीका ध्यान से देखो, अगेन क्या लिखो कि सबसे पहले जनरल टर्म, तो जनरल टर्म निकलो इसकी। तो जनरल टर्म कितनी आ जाएगी, 60 CR फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r और सेकंड टर्म जो है उसकी पावर r, है ना? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये पता कर रहा हूं नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स पता चल गई तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो कि 7 की पावर कितनी आ रही है, 60 माइनस आर अपॉन 5, और यहाँ पे जो माइनस 3 जो भी नंबर है उसकी पावर कितनी आ रही, आर अपॉन 10। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आपके हिसाब से मुझे लॉजिक लगा के बताओ ये रेशनल कब बनेगा। रेशनल मतलब समझते हो ना, रेशनल नंबर कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 1 बाय 2 1 बाय 3 1 बाय 4, जिसकी पावर सबकी क्या होती है, इक्वल टू 10 पे बन जाएगा। हाँ, अब देखो एक इरेशनल टर्म्स कैसी दिखती है, इस तरह की दिखती है, याद आ रहा है? यस सर। इरेशनल टर्म कैसी दिखती है, इस तरह की, जैसे मान लो जिसमें पावर कैसी हो फ्रैक्शन टाइप से, ये इरेशनल टर्म्स है। सॉरी, ये जैसे एसी टर्म्स को क्या बोलते हैं अपन, इरेशनल टर्म्स। तो यहाँ पे अगर रेशनल बनाना है तो ये पावर कैसी होनी चाहिए सर, जीरो टर्म, लाइक जीरो टर्म, इंटीजर होनी चाहिए। हाँ, फॉर रेशनल टर्म्स ये पावर कैसी होनी, देखो पावर अगर फ्रैक्शन में आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? पावर अगर फ्रैक्शन में आ गई तो इरेशनल बन जाएगी। अगर रेशनल बनाना है तो पावर कैसी होनी चाहिए, बोलो? पावर शुड बी इंटीजर। पावर शुड बी इंटीजर्स, वेरी नाइस। अगर आपको इनको रेशनल टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो जो पावर है ये इंटीजर होना चाहिए।
अब लॉजिक लगाते हैं, अच्छा दोनों जगह इंटीजर होना चाहिए कि किसी एक जगह चलेगा? दोनों जगह होना चाहिए। यहाँ पे भी इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे भी इंटीजर होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि आर की कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी जो इसको इंटीजर बनाए। आर की जितनी वैल्यू इसको इंटीजर बनाएगी उतनी मेरी क्या बनेगी, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। आर की जो जो वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी जो इनको क्या बना दे दोनों को इंटीजर, उतनी मेरी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रेशनल टर्म। है ना? यस सर। तो सबसे पहले इसके बारे में सोचते हैं, यहाँ पे अगर इसको इंटीजर बनाना है तो बताओ आर की वैल्यू कौन कौन सी रखनी पड़ेगी? एनसीआर में आर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? एनसीआर जीरो से लेके एन तक ना, है ना? एन से ज्यादा तो नहीं हो सकती। कभी भी आपको मैंने ये कभी पूछा है क्या कि 7 से 10 बताओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करना है तो आर लोग हमेशा एन के बराबर या उससे कम होने चाहिए, उससे ज्यादा थोड़ी हो सकते हैं, है ना? यस सर। तो ये एनसीआर में ध्यान रखना आर जो होता है हमेशा जीरो और एन के बीच में होता है, याद आ रहा है? Yes, sir. यहाँ पे R की अगर इसको इंटीजर बनाना तो 5 का डिविजिबल होना चाहिए, 5 के डिविजिबल के लिए यहाँ पे R की वैल्यू 0 उस तरह से चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, लास्ट 60 तक, 60 तक, है ना? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। और दो सेकंड टर्म है वहां पे, अगर आप ध्यान से देखोगे R बाई 10 है तो R बाई 10 को यहाँ पे अगर इसको इंटीजर बनाना तो यहाँ पे R की कौन कौन सी वैल्यू अलाउड है? 0, 10, 20, 30, 40, 60 तक, है ना? अब इन दोनों का क्या ले लेंगे अपन? इंटरसेक्शन। इन दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। तो ध्यान से बताओ इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, आर की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? सर जो आर अपॉन 10 की आ रही है वो सारी, हाँ, ये सारी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, है ना? देयरफॉर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर कितनी होगी, बोलो? 0 से लेके 7 सात वैल्यू हो गई, है ना? तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे, ये कितनी, therefore it is the number of rational terms। ये क्या आ गया मेरे पास, number of rational terms, rational terms। तो हमेशा कभी भी rational का question आए तो आप ऐसे कर लोगे, irrational का question आए तो भी number of rational terms पता कर लेना, total में से number of rational terms minus करोगे तो number of irrational terms आ जाए। अब 61 में से 7 minus करेंगे तो कितना आएगा? 54। आई बात समझ? रेशनल टर्म्स निकालने का तरीका क्या, जनरल टर्म लिखो उसमें जो भी पावर है उसको क्या बनाना है, इंटीजर। जो भी पावर है उसको क्या बनाओगे, इंटीजर, हाँ, है ना? यस सर। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, एनीवन? ये सारे कॉन्सेप्ट है, आप घर पे जाके इनके क्वेश्चन में दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना, क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिडिल टर्म वाला, कि जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है इसमें जो मिडिल टर्म आएगी वो कौन सी होगी ये पता करना। आप पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखोगे तो मिडिल टर्म कौन सी आएगी ये पता करना, ठीक है? इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला याद रख सको तो ठीक है, और फॉर्मूला याद नहीं रख सको तो कॉन्सेप्ट याद रखना। कॉन्सेप्ट क्या है, आपने क्लास 9-10 में ऑलरेडी मीडियन सीखा था, याद आ रहा है? मीडियन मिडिल टर्म पता करते थे, आया ना? यस सर। अगर मैं बोलूं कि मान लो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 9 है तो बताओ मिडिल टर्म कौन सी होगी? 5th टर्म। 5th। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 9 है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? 5th होगी। इवन के लिए 2 होगी और ऑड के लिए 1 होगी। n plus 1 upon 2 फॉर्मूला। वेरी गुड। मिडिल टर्म इसकी कौन सी हो जाएगी? बहुत बड़े बच्चों, 5th टर्म। आया ना सबको, क्लियर है? यस सर। देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5th आएगी। वेरी गुड। नंबर ऑफ टर्म्स अगर मान लो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर मान लो 8 हुई तो बताओ मिडिल टर्म कौन सी होगी? 4th and 5th। मिडिल टर्म कौन सी आएगी आपकी? आप सबको पता है एक 4th टर्म और 5th टर्म। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, एनीवन? नो सर। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ उसको समझते हैं। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मान लो है कुछ भी अज्यूम कर लेते अपन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मान लो m अज्यूम कर लिया, कितना अज्यूम कर लिया m।
एम अगर मान लो ऑड है तो बताओ मिडिल टर्म कौन सी होगी, एम प्लस वन बाय टू। कैसे आया देखो ध्यान से, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 थी, तो 9 से 5 कैसे क्रिएट कर सकते, 9 प्लस 1 बाय 2। हां 9 में प्लस 1 करके डिवाइड बाय 2 करोगे, है ना? यस सर। यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर m है, m अगर ऑड है तो मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी, इसमें प्लस 1 करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे? हां जी सर। यस सर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है तो 8 से 4 कैसे क्रिएट होगा, n बाय 2 एंड प्लस 1 अपॉन m प्लस 2 अपॉन 2। इसको अगर 2 से डिवाइड कर दोगे, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 4, और इसी 8 को 2 से डिवाइड करके इसमें प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5, आया ना? अगर n इवन हो गया तो मिडिल टर्म कौन सी आ जाएगी, एक तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो कि दूसरा ये जो आंसर आएगा इसमें प्लस 1 कर देंगे, आया ना? यस सर। यस सर। यहाँ पे एम मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे एम मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है सबको? यस सर। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर अपन यहाँ पे अप्लाई करें a प्लस बी की पावर n में, तो a प्लस बी की पावर n में अगर मान लो दो ही केस अगेन, n अगर ऑड होता है और n अगर इवन होता है, तो मुझे बताओ कि सबसे पहले जो भी हो, n अगर ऑड हो इवन कुछ भी हो, अगर पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी आएगी, n प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अभी हमको पता ही है कितनी आएगी, n प्लस 1। ये n प्लस 1 अगर n ऑड है तो n प्लस 1 क्या बनेगा, इवन क्या ऑड, इवन इवन। अगर देखो n ऑड है तो ये n प्लस 1 इवन बन जाएगा। यस सर। यस सर। ये अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो कितनी मिडिल टर्म आएगी, दो दो दो। एक तो डायरेक्टली 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। यस सर। और एक क्या करेंगे, ये जो आंसर आएगा इसमें प्लस 1 कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ये मेरी मिडिल टर्म्स आ जाएगी, मेरी क्या आ जाएगी, मिडिल टर्म्स। अगेन पावर n अगर इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगेन कितनी आएगी, n प्लस 1। यस सर। यस सर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी रहेगी हमेशा के लिए, n प्लस 1। और n प्लस 1 अगर n इवन है तो n प्लस 1 क्या बन जाएगा, ऑड, n प्लस 1। और ऑड है तो एक ही मिडिल टर्म आएगी। यस सर। और एक मिडिल टर्म कैसे निकालते थे, ऑड के केस में, उसमें प्लस 1 करके डिवाइड कर दो, n प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा, उसमें प्लस 1 करके डिवाइड बाय 2, है ना, इसमें प्लस 1 करके डिवाइड बाय 2, तो कितना जाएगा, n प्लस 2 बाय 2। ये मेरी मिडिल टर्म आ जाएगी। आई बात समझ में? यस सर। तो कॉन्सेप्ट याद रखना मिडिल टर्म निकालने का, कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो मिडिल टर्म निकालने के लिए उसमें प्लस 1 डिवाइड बाय 2, वो टर्म आपकी मिडिल टर्म आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो दो मिडिल टर्म आएगी, एक तो डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करोगे और एक डिवाइड बाय 2 करके प्लस 1 कर दोगे, हाँ है ना? यस सर। ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट, ये आपका कॉन्सेप्ट क्या था, मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट। तो अगर अब ध्यान से देखना एक चीज और इसके अंदर, एक मिनट यहीं पे बता देता हूं। जैसे अगर मान लो, ध्यान समझना, a प्लस b की पावर n, n अगर मेरा इवन है, n अगर क्या है मेरा इवन, तो मिडिल टर्म कौन सी आएगी r के टर्म्स में पता करना, किसके टर्म्स में पता करना, r के टर्म्स में। तो n अगर इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएगी, बोलो। यस सर। यस सर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज कितनी आ जाएगी, n प्लस 1, तो ऑड टर्म्स हो गई। तो बताओ मिडिल टर्म कौन सी आएगी, n प्लस 2 अपॉन 2। हां मिडिल टर्म इसमें प्लस 1 करके डिवाइड बाय 2, दैट इज n प्लस 2 बाय 2, हां है ना? यस सर। यस सर। अब अगर मेरे को इसको r के टर्म्स में लिखना है कि ये जो मेरी टर्म है ये मिडिल टर्म है, बेसिकली अगर इसको मैं r प्लस 1 नेक्स्ट टर्म से इक्वेट कर दूं, तो r प्लस 1 टर्म से इसको इक्वेट कर दूं, ठीक है, जनरल टर्म मेरी tr प्लस 1 होती है ना? Yes, sir. उससे अगर इसको इक्वेट कर दे तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आती है। अगर इसको मैं जनरल टर्म tr प्लस 1 से इस मिडिल टर्म को इक्वेट कर दूंगा, तो यहाँ से r प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 2 बाय 2, तो यहाँ से r प्लस 1 इक्वल टू, अलग अलग करोगे n बाय 2 प्लस 1, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n बाय 2 आ जाएगी। यस सर। बेसिकली आप याद भी रख सकते हो कि अगर इसकी मिडिल टर्म पता करनी है तो r की जगह क्या रख दोगे, n बाय 2। अगर n इवन है, अगर n इवन है तो यहाँ से क्या याद करना अपन ने, कि अगर a प्लस b की पावर n में, समराइज कर रहा हूँ, a प्लस b की पावर n में n अगर इवन नंबर है
एन अगर इवन नंबर है तो मिडिल टर्म निकालने के लिए जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन वाला, यहाँ पे आर की जगह क्या रख दोगे? एन बाय टू। एन बाय टू बेसिकली एन बाय टू वाला जो होगा वो इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। यस सर। और ऑड के केस में, ऑड के केस में इसके मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ फिलहाल के लिए, अगर एन ऑड आ जाता है तो याद रख लेना मिडिल टर्म में आर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। इस ऑड है तो इसमें प्लस वन करके डिवाइड बाय टू, इसमें प्लस वन करके डिवाइड बाय टू। क्या बात समझ में आ रही है? और या दो मिडिल टर्म आएगी दूसरी आ जाएगी इसमें माइनस वन करके डिवाइड बाय टू, दोनों का मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आएगा। क्लियर है? यस सर। बाकी देखो अगर डायरेक्ट मिडिल टर्म पूछता है ना तो सिंपल कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना क्या कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लो। क्या पता कर लोगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो एक मिडिल टर्म आएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो दो मिडिल टर्म आएगी, और ऑड है तो प्लस वन डिवाइड बाय टू, इवन है तो डायरेक्ट डिवाइड बाय टू। क्या बात क्लियर है? यस सर। अब बताओ इसकी मिडिल टर्म कौन सी रहेगी? सबसे पहले बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई बच्चों बोलो? 11। तो मिडिल टर्म बताओ कैसे निकालोगे? ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? 11 प्लस 1 इसमें प्लस 1 डिवाइड बाय 2 है ना? यस सर। यस सर। बस इतना सा करना है तो आपकी इसकी 6th टर्म मिडिल टर्म हो जाएगी है ना? बोलो। यस सर। ये आसान है कि नहीं आसान है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करो, ऑड है प्लस 1 डिवाइड बाय 2 6th टर्म। अब बताओ इसकी 6th टर्म का फार्मूला T6 10C6। हां फिर करते हैं A की पावर 5 बहुत बढ़िया। तो इसकी सिक्स टर्म बताओ, 11C5 A की पावर 6 और 7th टर्म 11C6 7 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा, 6 से तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। याद आ रहा है? एक कम होता है, हाँ ना? A की पावर 5 B की पावर 6 देख दोनों ये क्लियर हुए कि नहीं हुए? देखो ध्यान से इसको। यस सर। मिडिल टर्म निकाल लोगे अभी पूछेंगे तो? चलो अभी वो पूछा था the sum of the real value of fx for which the middle term is equal to, इसकी मिडिल टर्म निकालो सब लोग और उसको इक्वेट करो 5670 से। ये जो एक्सपेंशन है इसकी मिडिल टर्म पता करो सब लोग। कितनी मिडिल टर्म आएगी? एक ही आएगी। ठीक है, उसको इक्वेट करो 7650 से और पता करो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है। सारी x की वैल्यू निकालो और जो सारी x की वैल्यू का सम पूछा है। ये आसान है कि नहीं आसान है जो तरीका सिखाया मैंने आपको? इजी है सर। हाँ फॉर्मूला ये तरीके की जरूरत है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करो, ऑड है तो एक मिडिल टर्म, प्लस वन डिवाइड बाय टू, इवन आएगा तो डिवाइड बाय टू उसमें प्लस वन करते हैं बस। इसकी फिफ्थ टर्म पता करनी है तो बता फिफ्थ टर्म इस बार बताओ क्या होगा? 8c4 x क्यूब बाय 3 की पावर 4 और 3 बाय x की पावर 4। वेरी गुड, अब तो एकदम दिमाग में बैठ गई सबके। और ये आप क्वेश्चन में गिवन है 5670 के बराबर। अब यहां से x पता करो, ये जेई के क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब कुछ हो जाएगा।
यहाँ से 10, इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, इसको 7 से डिवाइड कर दोगे तो 81 आएगा, 81 आएगा सर। हाँ जी, x की पावर 8 इक्वल टू 81, यहाँ x की पावर 8 इक्वल टू 81, तो क्या आएगा इसका, x की पावर 8 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। इसको या फिर उधर ही भेज दो ना, x की पावर 8 इक्वल टू 81, मतलब बेसिकली 81 क्या होता है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो x इक्वल टू प्लस माइनस रहेगा, रूट रूट होता है, याद आ रहा है, अगर x स्क्वायर की बात करो तो आएगा प्लस माइनस रूट 3, है ना? यस सर, ठीक है। प्लस रूट 3 भी सेटिस्फाई करेगा, माइनस रूट 3 भी सेटिस्फाई करेगा, तो x की क्या क्या वैल्यू होगी, रूट 3 और माइनस रूट 3, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 0, ऑप्शन बी। आई बात समझ में? यस सर, यस सर। अब देखो यहाँ पे मैं जो समझा रहा था आपको, एक एक कॉन्सेप्ट और देखो ध्यान से, कि जो मिडिल टर्म होती है ना, वो हमेशा वो जो कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा हाईएस्ट होता है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है, हाईएस्ट। देखो ध्यान से, एक सेकंड, एक सेकंड, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नो सर, नो सर, ठीक है, एक सेकंड। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जितने भी कोएफिशिएंट लिख रहे हो, जो मिडिल टर्म है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। यस सर, यहाँ पे अगर इसको आगे आगे का भी देखोगे, यहाँ पे 5 बनेगा, यहाँ 10 बनेगा, यहाँ पे 10 बनेगा, यहाँ पे 5 बनेगा, तो अगेन देखो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट हमेशा क्या आता है, हाईएस्ट आता है। यहाँ से एक और ऑब्जर्वेशन क्या देखोगे, कि मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट आया ना, बोलो। यस सर, जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं, NC0, NC1, NC2, NC3, बीच में कोई ना कोई एक टर्म आएगा, NCN। तो ये जो मिडिल टर्म होता है ना, मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट इन सब में क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है, इज ग्रेटेस्ट, है ना, बोलो। यस सर, यस सर, ये पीछे से ये वैल्यू इसके बराबर होगी, फर्स्ट टर्म फर्स्ट कोएफिशिएंट पीछे वाला फर्स्ट के बराबर होगा, आगे से दूसरा पीछे से दूसरे के बराबर होगा, जो मिडिल में होगा वो सबसे क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, जो मिडिल में होगा वो सबसे क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तब इसको डायरेक्ट करने के लिए फॉर्मूला भी कर सकते हैं, कि देखो अगर मैं बोलता हूँ एनसीआर में, एनसीआर में जो मिडिल वाला टर्म आएगा ये कौन सा आएगा, बेसिकली ये पता करना, मान लो ठीक है, जैसे मान लो ये है कि 10CR है, तो 10CR में जो मिडिल वाला कोएफिशिएंट आएगा वो कौन सा आएगा, तो ये पता करने के लिए आप आर की जगह क्या रिप्लेस कर दो, अगर एन इवन है तो एन बाई टू, अभी डिराइव किया था अपन ने, आर की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे अगर एन इवन है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू तब मिलेगी जब आर की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, एन बाई टू, एन बाई टू, और एन अगर ऑड है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए आर की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, एन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू या फिर एन माइनस वन बाई टू, क्लियर है? यस सर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एनसीआर जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है उसमें आर की जगह हम क्या रखें ताकि वो ग्रेटेस्ट बने, ये इस बात पे डिपेंड करता है एन इवन है कि ऑड है, एन अगर इवन हुआ तो एन बाई टू रिप्लेस कर दोगे आर की जगह, और एन अगर ऑड हुआ तो आर की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, एन प्लस वन बाई टू, एन माइनस वन बाई टू, क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बताओ फर्स्ट वाले की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आर की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आएगा, n by 2 that is 5 है ना, तो 10c5, तो 10cr की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10c5, क्लियर है? यस सर, ठीक है। देखो 10cr की क्या-क्या वैल्यू पॉसिबल है, 10c0, 10c1, 10c2, 10c3 अप टिल 10c10, उन सब में मैक्सिमम कौन सा होगा, 10c5, ये बात समझ में आ रही है? यस यस सर, ठीक है। यहां पे बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब बनेगी, r की जगह क्या रिप्लेस करोगे, 10c5, हां एक एन प्लस वन और या फिर एन माइनस वन बाई टू, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10c5 या फिर 10c4, दोनों की वैल्यू खैर सेम है, ये दोनों क्या होगी, मैक्सिमम। यस सर, दो मैक्सिमम आएगा, आपको पता है अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते तो दो मिडिल टर्म आती है, दोनों के दोनों मैक्सिमम होती, दोनों के दोनों क्या होती, सेम होती है ना। हां जी सर, यस सर, ओके। अगर मैं बात करता हूं 15c आर की, बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी,
क्लियर सबको? यस सर। 15g7 हो सकती है। ठीक है चलो एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से। जे 2020 का था कि ए बी सी आर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस। तो सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। 19cp इसकी ग्रेटेस्ट बताओ। 19c10। 19c कितना आएगा? 10। 10 है ना? यस सर। बोलो क्लियर सबको कैसे आ रहा है ये? 20c यस सर। इसकी ग्रेटेस्ट बताओ। 20c10। 20c10 है ना? आ रहा है समझ में कि नहीं? बोलो यस सर। और लास्ट वाला है 21CR, इसकी ग्रेटेस्ट बताओ। 21C11 लिखो, 21C10 लिखो, दोनों सेम ही है ना? ये ग्रेटेस्ट आ गया। और क्वेश्चन में बोला है ये वैल्यू किसके बराबर है? ए, ये बी के बराबर और सी के बराबर। और हमको रेशियो पूछा है ए टू बी टू सी। क्या पूछा है? इन तीनों का रेशियो। देखो आसान था कि नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन? बोलो यस सर आसान था। ये तो ये हो जाएगा 19C10 इज टू 20C10 21C10 11। इनकी वैल्यू रखोगे कैंसिल आउट करके क्या रेशियो निकाल सकते हो? यस सर। ठीक है, h2b h2c का आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा? बाइनोमियल टर्म है, जनरल टर्म, जनरल टर्म निकालने का तरीका सीख लिया अपन ने। जनरल टर्म कैसे निकालेंगे? tr+1। तो tr+1 का फॉर्मूला बन जाएगा मेरा ncr x की पावर n माइनस r y की पावर r, है ना? मिडिल टर्म, मिडिल टर्म निकालना हमने सीख लिया। अगर मिडिल टर्म में n इवन हुआ तो क्या होगा? n ऑड होगा तो क्या होगा? अगर n इवन है, टोटल पावर इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक मिडिल टर्म आएगी। n अगर ऑड है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन बन जाएगी तो दो मिडिल टर्म आएगी, है ना? यस यस। इंडिपेंडेंट ऑफ द x वाले क्वेश्चन अगर हमने करे तो इंडिपेंडेंट ऑफ x में क्या करोगे? x की पावर क्या कर दोगे? जीरो, है ना? यहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम देखा तो अगर n अगर इवन है तो मैक्सिमम कब आ जाएगा? आर की वैल्यू एन बाई टू हो जाएगी। और एन अगर ऑड है तो मैक्सिमम कब बनेगा? जब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन प्लस वन बाई टू। क्या बात समझ में आ रही है? यस यस यस। ठीक है, कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं? टोटल पावर का उस पता है आपको। ये आज का लेक्चर था। क्या समझ में आया आपको? यस सर यस। तो ये आज का लेक्चर कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका अगला पार्ट कंटिन्यू करेंगे और कम्प्लीट कर देंगे इस चैप्टर को, ताकि चार नंबर इस चैप्टर के कम्प्लीट हो जाए। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय सर, गुड नाइट सर।